सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में ना चोरियां बड़ी होने लगी, बड़ी चोरी, रोज चोर आ जाते, सारा इलाका परेशान है। चोर थे चार, जिस घर में भी आते पैरों के निशान मिलते चार लोगों के, चार चोर हैं पकड़े। बड़ी दौड़ लगी, पुलिस फौज, चोर नहीं पकड़े जाते। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे तुमसे नहीं पकड़े जाएंगे, मैं ही पकड़ूंगा। क्या करूंगा बोलिएगा जरा, मैं पकड़ के लाता हूं। कहा जनाब कैसे? फरमाने लगे देख लो पकड़ता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी ने नकाब डाला चेहरे पे, पुराने कपड़े पहने, बाजार में निकल गए। चार चोर खड़े थे सामने, सुल्तान को देखा तो दौड़ने लगे। आप फरमाने लगे दौड़ो ना, आना बाशर मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, मैं भी लिबास आदमी पहना जहान आदमी समझा। वो मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। लिबास आदमी पहना जहान आदमी समझा, मुजम्मल बन के आए थे तजल्ला। न हलीम भेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये, तो खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। सुल्तान कहने लगे ना बशर मिसलुकुम, ना डरो मैं तुम्हारी तरह का ही हूं। उन बेवकूफों ने समझा शायद चोर है। कहा ना मैं तुम्हारी तरह का हूं। उन्होंने क्या समझा? शायद लिबासे आदमी पहना जहान आदमी, शायद चोर है। उन्होंने कहा चलो जी ताकत आद हो गए, पहले चार थे अब बैठ गए, बातचीत होने लगी। सुल्तान कहने लगे यार चोर हो तुम भी, चोरियां करते हो, तो कितनी चोरियां आज तक कर ली हैं? कहने लगे बड़ी की हैं यार, लेकिन कोई नहीं, थोड़े से पैसे होते हैं दो चार दिन में खत्म हो जाते हैं। सुल्तान कहने लगा चलो ये तो बताओ कि क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर? एक शख्स कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है, जानवर बोले तो उसकी बोली सुन के बता देता हूं कि ये क्या कह रहा। दूसरे से पूछा तू भाई? कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है कि जितनी मर्जी ऊंची दीवार हो, रास्ता कोई ना हो, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से पूछा तू बता? कहने लगा मेरी खूबी यह है कि मैं सूंघ के बता देता हूं पैसे कहां रखे हुए हैं। सुल्तान मुस्कुरा के कहने लगे सारी चोरों वाली क्वालिटियां हैं, पक्के चोर, चोरों वाली क्वालिटियां सारी तुम्हारे अंदर। खैर चौथे से पूछा तू बता? तू बता? कहने लगा जी मेरी क्वालिटी यह है कि जिसको रात के अंधेरे में नकाब में देख लूं, सवेरे पहचान लेता हूं बंदा कौन था, छुपा हुआ देखूंगा, पर सवेरे मुझे अंधेरा होगा नकाब होगा पर मैं सवेरे पहचान लूंगा। सुल्तान से कहने लगे हमने तो बता दी आप भी बताएं। तो सुल्तान महमूद कहने लगे मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे, मैं दाढ़ी हिलाऊं तो फांसी से उतर जाएगा। फांसी लगने लगे मेरा काम है दाढ़ी हिलाना और बंदा फांसी से फारग। ने कहा क्या बात है, पते एड्रेस सबके ले लिए। सुल्तान कहने लगा यार थक गए, चोरी कख दी दी तो चोरी लख दी दी, तो आज बादशाह का घर ना लूटे। रोज थोड़ी थोड़ी करते हैं तो बड़ा हाथ मारते हैं, कुछ हाथ तो आए ना। वो कहने लगे यार तू बड़ा दलेर चोर है, पहले दिन आया इतनी दलेरी। कहने लगे चलो आज सुल्तान का घर लूटते, चले महमूद गजनवी के घर की तरफ। जब पहुंचे ना दरवाजे पे तो कुत्ता भौंकने लगा। जो कहता था ना मैं पहचान लेता हूं, वो कहने लगा कुत्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है, बादशाह है। तो बाकी तीन कहने लगे जी बेवकूफ है, हम तो एक जैसे हैं सारे। उन्होंने कहा नहीं है ना बादशाह मिसलुकुम, तू पागल है, आज तुझे गलती लग गई। दीवार बड़ी ऊंची थी, वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूं वो चढ़ गया, रस्सा फेंका बाकी भी चढ़ गए, और जो कहता था सूंघ के बता देता हूं उसने बता दिया कि इस कमरे में खजाना है, लूटा। नीचे आए उसको एक जगह पे लेके बैठे बांटने के लिए। सुल्तान कहने लगे बेवकूफ हो, कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा। सवेरे गली गली पुलिस दौड़ेगी, फौजी दौड़ेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई तो पकड़े जाएंगे। खजाना जमीन में दबा दो, बात ठंडी होगी तो आके उसको उखेड़ेंगे, बांट लेंगे। एड्रेस पहले ले लिए थे, वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान आए, सिपाहियों से कहा कि चार बंदे उठा लाओ और फलां जगह खजाना दफन किया वो भी उठा लाओ। अब काजी साहब की अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, चारों को सजाए मौत हो गई। अब वो चारों कहते हैं चार तो हम है, पांचवा किधर गया? पांचवा किधर है? ना बाशुर मिश्रुकुम, वो कहता था तुम्हारी तरह कहूं, वो किधर है? जिस दिन फांसी लगनी थी ना,
जो है आपकी, जिस दिन फांसी लगनी थी महमूद गजनवी ने कहा कि फांसी लगते वक्त पहले मुझे मिला लेना। वो जब गार जा रहे थे ना वहां फांसी लगने के कमरे में, तो हुक्म था महमूद का, अब उनको आए लेके चारों महमूद गजनवी के पास। तो रात को तो नकाब में देखा था, अंधेरे में देखा था, वो जो कहता था ना पहचान लेता हूं, वो आगे बढ़ा, कहने लगा हजरत जी फांसी लगने लगी है, जरा दाढ़ी तो हिला दे, मेहरबानी तो फरमाए, लगने लगी है फांसी, मेहरबानी करे मरने लगे हैं। सुल्तान महमूद कहने लगे इनको फांसी, बस वो दाढ़ी हिली फांसी गई। महमूद गजनवी ने कहा चोरी ना करो, दरबार में आ जाओ, नौकरी पे बैठो, जो तनख्वाह कहते हो देता हूं, चोरियां छोड़ दो। चोरियां भी छोड़ दी, बंदे भी बन गए। महमूद गजनवी ने बाजू थामा और अपने पीर हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास ले गए, बैत भी कराया, अल्लाह अल्लाह भी सिखाई, वली भी बन गए। मौला अबू नूर साहब वाले रामा फरमाते बस यही बात है, वली अंदर ही फिरते रहते हैं, अंदर ही घूमते रहते हैं, लोग समझते हैं हमारे जैसे ही हैं, बस ताल्लुक ठीक रखना, कयामत में फांसी लगने लगेगी, उनकी दाढ़ी हिलेगी, अल्लाह निजात अता फरमा देगा, अंदर ही फिरते रहते हैं तुम्हारे, तुम समझते हो एक जैसे हैं।